12:30 इवनिंग तक रहेगा, शाम की चाय तक। तो उससे पहले यहाँ पर है जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें है एक कुकिंग क्लास जो है LP वेज करी, तो वो सीखने के लिए हम जा रहे हैं और आपको भी दिखाते हैं किस तरह बनती है LP वेज करी। तो इन्जॉय करते हैं और उसके बाद चलेंगे हाउस बोट पे। तो फॉलो मी, लेट्स इन्जॉय। मैं और आंटी जा रहे हैं क्लास के लिए LP वेज करी और हम सीखेंगे और फिर आप लोगों को भी सिखा देंगे कैसे बनती है LP वेज करी। तो रेस्टोरेंट में है इनकी क्लास और हम पहुंच चुके हैं, आ चुके हैं हम रेस्टोरेंट में। ये हम आ चुके हैं रेस्टोरेंट में, ये है इनका रेस्टोरेंट, बहुत ही खूबसूरत सा है और वो देख सकते हैं आप, आई लव कर्मा, ये दिखाई दे रहा है स्विमिंग पूल। लग चुका है अब, शेफ भी आ गए हैं और सभी लोग आ चुके हैं LP करी सीखने के लिए। देखो शेफ ने सारे इंग्रेडिएंट्स एक ही जगह रेडी करके रखे हैं, ये देखिए। या गार्लिक, ओके, जिंजर, ग्रीन चिली, करी लीव्स, ओके, टमाटो, अब शेफ ने इसको बॉईल होने दिया, ये देखिए। फिर इसमें डाल दी हम मिक्स वेज स्टीम्ड और अब इसको पकाएंगे। ओके, लास्ट इंग्रेडिएंट्स, सभी लोगों ने उस वेज करी को सीखा और उसके साथ फिर एक एक पिक्स कराई, मैंने भी देखा और इतना अच्छा एरोमा आ रहा है इसमें से, बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत टेस्टी लग रही है और एक अलग ही एक्सपीरियंस देखने को मिला है यहाँ पर सबके साथ, इट वाज ऑसम। ये रेडी हो चुकी है हमारी LP वेज करी और उसके साथ आ चुके हैं स्टीम्ड राइस, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, टेस्ट करते हैं। सीख लिया हमने LP वेज करी, कुछ खास डिफरेंस तो नहीं लगा मुझे, पर उसमें कोकोनट मिल्क का मेन काम है और कोकोनट ऑयल का, तो सीख लिया। फिर बनाएंगे अपने घर जा कर के और आप लोगों से भी शेयर करूँगी ये रेसिपी। और अब हमारा टाइम हो चुका है हाउस बोट का, तो 12:30 हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और फिर हम लोग रहने वाले हैं 5-6 घंटे एकदम पानी के अंदर वैद्यनाथ लेक के बीच में और मज़ा करने वाले हैं। तो चलिए इन्जॉय करते हैं हाउस बोट और फिर आपको दिखाते हैं किस तरह का है और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं उसके अंदर। चलिए एंजॉय करिए हमारे साथ, लेट्स गो। हाउस बोट हो चुका है रेडी और अब हम निकल रहे हैं और दिखाते हैं आपको हाउस बोट की जर्नी, स्टे विद अस। ये तैयार हो गया है हमारा हाउस बोट, ये देखो, और ये जो इसकी छत है और ये सब जो है ना, ये कोकोनट उससे बनी होती है, क्वायर्स, इससे ये एकदम ठंडा रहता है, ये देखो। और आज हवा भी बड़ी अच्छी चल रही है, देखो गर्मा चुका, और ये देखो इतना ग्रीनरी पानी के ऊपर, देखो पूरा जाल सा बना है। वो एंट्री, ठीक है, और यहाँ से हम एंट्री करते हैं, तो ये है डाइनिंग एरिया और लिविंग एरिया, देख रहे, ठीक है, ये लिविंग एरिया और यहाँ बैठेंगे ड्राइवर, ये देखो पूरा खूब एरिया है और ये देखो, ठीक है ना। एंड इसके साथ ये रूम है, ये देखो ये पूरा रूम है, ये देख सकते हो आप, पूरा बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, ये देखो पूरा AC लगा है और इधर वॉशरूम भी है यहाँ पर, ये देखो ये वॉशरूम है बहुत सुंदर, और यहाँ पर पूरी
विंडोज़ हैं, ये देखो है ना, कर्टन भी लगा सकते हो आप, कर्टन हटा सकते हो। ये देखो पूरा रूम है, काफ़ी बड़ा रूम है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत छोटा है। और ये देखो इधर ये है वॉश बेसिन, और इधर है एक और रूम, ये देखो सेम रूम है, सेम रूम का स्टाइल है, ठीक है। और ये विंडोज हैं, ये पूरा ठीक है अंकल, बढ़िया। चलो अब स्टार्ट हो रही है हमारी जर्नी। दिस पाइनएप्पल जूस, ओके, दिस इज वेलकम ड्रिंक, ओके, एंड योर नेम विनोद, ओके। तो टुडे विनोद इज अवर ड्राइवर, ओके, पायलट, ओके, या। अंकल आंटी, अंकल साड़ी, अंकल इज ड्रिंकिंग साड़ी। हो चुका है हमारा हाउस बोट, सिद्धम विल ऑल्सो ट्राई टू ड्राइव, हैं, ओके। टीवी भी है भाई, अगर किसी को टीवी देखना है तो हमारा हाउस बोट और वो हमारा रिजॉर्ट बह चुका है पीछे, वो देखो। ये चल चुकी है हमारी हाउस बोट। आप जब भी केरला में बोट क्रूज बुक करें तो एक बार जरूर चेक कर लें कि वो हाइजीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए और खाना उसका अच्छा होना चाहिए। और हमने तो अपने रिजॉर्ट से ही बुक किया है, तो हमें पड़ा है ये 12,000 फॉर होल डे और विद लंच और इवनिंग टी, और बहुत नीटनेस है, बहुत ही सफाई है यहाँ पर। ये जो हमारी हाउस बोट है उसके ऊपर ही हमारा लंच है और इवनिंग टी है, वो हमें इंजॉय करेंगे, थोड़ी देर में लंच आएगा। और तब तक अंकल ने अपनी बियर निकाल ली है और हमारी आ रही है कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि हम लोग बियर नहीं पीते, और हम वो कोल्ड ड्रिंक इन्जॉय करेंगे। और उसके बाद हमारा आने वाला लंच, योगेश सागर ले ला चुके हैं अपनी मिरिंडा, हम लोग इन्जॉय करते हैं और उसके बाद फिर हम लंच करेंगे, ठीक है ना। हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, योगेश सागर की बियर है मिरिंडा। केरला इज नोन एज गॉड्स ओन कंट्री, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर इतना नेचुरल ब्यूटी है कि आपका मन ही नहीं भरेगा यहाँ पर, जितने भी दिन आए लगता है कम ही हैं। और ये शुरू से केरला हमारी बकेट लिस्ट में था, अब हमें मौका मिला है तो हम खूब घूम रहे हैं, और आपको भी सब कुछ दिखा रही हूँ मैं अपनी वीडियो में कि हम लोग कितना मज़ा कर रहे हैं और कितनी खूबसूरत जगह है ये। तो आपको जब भी मौका मिले यहाँ का ट्रिप ज़रूर बनाएं। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और देखिए जगह जगह हाउस बोट रुके हैं, ये अलग अलग रिजॉर्ट के या अलग से हैं, और ये लंच के लिए रुके हैं। तो लंच के लिए जब भी टाइम होता है उसके लिए साइड पे ही इनको रोक दिया जाता है और फिर वहाँ पर आपको लंच कराया जाता है। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। अगर आप लोग कभी बैक वाटर के लिए गए हैं बोट क्रूज़ में तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं ये भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अब हम पहुंच चुके हैं एलपी, और आप देख सकते हैं इसके उस तरफ जो है वो सारे राइस पैडी फील्ड, तो चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, वो देखिए। क्या अच्छा, 5 o'clock के बाद, अच्छा अच्छा 5:30 to 6 यहाँ पर बोट क्रूज़ को अपने डेस्टिनेशन पे वापस जाना होता है, क्योंकि यहाँ उसके बाद यहाँ पर फ़िशिंग का टाइम होता है और मछुआरे यहाँ पर फ़िशिंग करते हैं, और उसके बाद नाइट स्टे के लिए बाद में बोट क्रूज़ को अलाउड होता है। यहाँ पर आपको कई तरह के बोट क्रूज़ मिलेंगे, 1 bedroom, 2 bedroom, 4 bedroom अकॉर्डिंग टू योर फैमिली और फ्रेंड्स। और एक फैमिली को एक बोट क्रूज़ बुक किया जाता है, जिसे कि आप प्राइवेटली आराम से अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकें, और उसी के हिसाब से उसका प्राइस होता है। यह
ये देखिए साइड में आपको पूरे आइलैंड नज़र आएंगे जहाँ पर राइस की फार्मिंग होती है। आपको पता है केरला में राइस बहुत अच्छा होता है, तो ये पूरे आइलैंड है जहाँ पर फार्मिंग की जाती है और इसी बैक वाटर से वो पानी दिया जाता है उस फार्मिंग के लिए। और हमें इतना मज़ा आ रहा है इन सारे स्टनिंग व्यूज़ के साथ और इतना इन्जॉय कर रहे हैं। सिद्धम भी बहुत ही इन्जॉय कर रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है हमें। जयराम, तो टुडे यू आर अवर शेफ, सो व्हाट आर यू मेकिंग फॉर अस टुडे? ओके, ओ वाओ, इतना कुछ, एंड यू आर मेकिंग फिश आल्सो? ओके, तो नो नो, ओनली अंकल, चले एंजॉय करेंगे आपके साथ। थैंक यू। ये आसपास जो राइस की खेती हो रही है यहाँ पर, तो उससे जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना, वो इसके अंदर आ जाता है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो, जब एक्स्ट्रा पानी हो जाता है तो वो इस लेक में आ जाता है इन पाइप के थ्रू। ये देखो, तो इसके जो दूसरी तरफ है वो सारी राइस पैडिंग है, यहाँ पर राइस की खेती होती है। वो देखो, ये देखो, अब हमारा लंच टाइम हो चुका है और अब ये जो बोट है, हाउस बोट, ये अब साइड पे लगा रहे हैं। उसके बाद हम लोग, हमें लंच सर्व होगा, फिर हम लंच करेंगे, आपको दिखाएंगे कि लंच किस तरह का है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो ये अब बोट को रोक रहे हैं, यहाँ पर खड़ी करेंगे और फिर हमें लंच सर्व होगा। ये देखो, बांध रहे हैं पेड़ से, है ना, ये देखो, अब यहाँ पर खड़ी हो जाएगी। यहाँ पे खड़ी हो जाएगी हमारी बोट और फिर हमें सर्व होगा लंच। और दूर दूर तक देखो भाई, क्या ही समंदर, समंदर लग रहा है ये समंदर, लेकिन है ये लेक। ये देखो पानी, और कितना क्लियर वाटर है, ये देखो, क्योंकि साफ सुथरा पानी है, एकदम साफ आ चुका है। ये देखो, ये है चपाती, ठीक है, और ये है मटर पनीर, दिस इज भिंडी, फ्रांस बीन, ये केरला सब्जी, एक कैबेज, दाल और साथ में घी, और एक अंकल की अभी फिश आने वाली है। चलो भाई, स्टार्ट करो खाना। केरला पराठा, पापड़, ये केरला राइस, रसम, बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है। हाँ, हम खाते ही जाते हैं। फिश जो है केले के पत्ते में। ओके ओके, अच्छा, ये फुल ट्रेडिशनल केरला स्टाइल में, और हर सब्जी बहुत टेस्टी है। तो दोस्तों, लंच हो चुका है फिनिश और हम रुके यहाँ पर, एक घंटा हमको लगा और हमने अब अच्छे से बच्चे से लंच किया और अब हमारी बोट दोबारा से चल चुकी है, ये देखिए। और खाना जो है बहुत ही टेस्टी था, लंच जो था प्योर वेज था और पूरा केरला स्टाइल में, और इतना ऑथेंटिक टेस्ट और इतना मज़ेदार लगा हमें, सब चीज़ बहुत बढ़िया थी। और एक फिश जो थी वो अंकल के लिए आई थी, अंकल को, अंकल का कहना है कि वो फिश भी बहुत ही मज़ेदार थी, इतना मतलब माइंड ब्लोइंग लग रहा है मेरे को यहाँ पर, एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और लेक के अंदर आप खाना खा रहे हो, इतना एंजॉय कर रहे हो, मतलब अगर आप आते हैं यहाँ पर केरला तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए ट्राई, बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत मज़ेदार। और ये दोबारा से हमारा सफ़र हो चुका है शुरू और एक अलग ही एक्सपीरियंस आ रहा है भाई, बहुत ही मज़ा। लोगों के घर भी बने हुए हैं यहाँ पर, ये साइड में लोग रह भी रहे हैं, ये देखो, ये भैया ये फार्मर्स रह रहे हैं यहाँ पर, ये अच्छा। इनके पास बोट्स होती है अंदर या नहीं? इनकी बोट होती है इनके पास? अच्छा, बोट्स होती है पूरा आइलैंड। अच्छा, पूरा आइलैंड है, कौन सा आइलैंड है ये? आर्ब्लो। अच्छा, ये पूरा आइलैंड है मतलब, तो यहाँ जाने के लिए बोट ही यूज करना पड़ता है। ओके ओके, बतख देख, वो देख, है ना, वो फैन लगा हुआ है, वो क्या है? है ये जो फैन तो चल रही, क्या है ये? तो
विंड मिल। अच्छा पंखा लगा दिया उसने। ये जुगाड़ू वाला है ना अंकल? देखो ये आइलैंड पे जा रहे हैं, अगर जिसको भी जाना है तो वो बोट यूज करता है। ये देखो जिसको आइलैंड पे जाना है वो बोट यूज करेगा। ये देखो यहाँ साइड पे सबके घर बने हैं और ये बोट खड़ी है, ये देख सकते हो आप। ये देखो जिसको भी जाना है तो वो अपनी बोट पे जाएगा इस तरह से। देखो आप बोट खड़ी है यहाँ पर उनकी, ये देखो बोट पार्क करी हुई जैसे हम लोग अपनी कार पार्क करते हैं इस तरह से। ये वो सीढ़ी से उतरेंगे और अपनी बोट में जाएंगे। ये देखो ये बोट्स हैं सबकी। और ये जो सामने से आ रही है ये है बोट टैक्सी, फेरी भी कह सकते हो आप, जिसको पब्लिक को आना जाना है ट्रांसपोर्टेशन के लिए है ये। कुमारकम से हमारा सफ़र शुरू हुआ था और एलपी तक पहुंच चुके हैं और जगह जगह आपको बहुत सारे बोट क्रूज देखने के लिए मिल जाएंगे और जहां भी नज़र जाती है वहां पानी ही पानी है। और ये लेक बहुत ही बड़ी है, वेम्बनाड लेक मैंने आपको बताया था, 93 किलोमीटर लंबी और 13.5 किलोमीटर चौड़ी। अलग ही एक्सपीरियंस है ना सिद्धम? यस बहुत ही मजा आ रहा है। ये हम कहाँ पहुंच गए सिद्धम? एलपी के आरबॉल आइलैंड के पास है आरबॉल। और यहाँ पर इतने हाउस बोट है क्योंकि जो एलपी से आ रहे हैं वो यहाँ पर सारे, इसलिए ज्यादा है यहाँ पर, कुमारकम से कम चलते हैं। इट्स गेटिंग क्राउडेड बिकॉज़ ऑफ एलपी, इट्स गेटिंग क्राउडेड बिकॉज़ एवरी। हमने हर चीज़ का एंजॉय किया और खूब डांस किया, मस्ती की। तो जब भी कहीं जाएं तो उस मोमेंट को पूरी तरह जीना चाहिए, खूब मज़ा करना चाहिए, मस्ती करनी चाहिए। क्या लग रहा है भाई, अमेजिंग। देखा ऐसा लग रहा है हम सी में आ गए है ना। यहाँ पे वेव्स भी आ गए, बताओ क्या वेव्स भी आ रही है। देखो और ये देखिए व्यू आप लेक का, कोई नहीं कह सकता कि हम लेक में, ऐसा लग रहा है सी में है। और इस समय जो लहरें हैं वो काफ़ी ऊंची ऊंची है क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है। एंड नाउ दिस इज़ द स्टनिंग व्यू ऑफ वेम्बनाड लेक। ये देखो चारों तरफ बस पानी ही पानी है। थोड़ी देर सिद्धम ने भी ट्राई किया बोट क्रूज को चलाने का, ये देखिए। अब हम वापसी की तरफ जा रहे हैं, एक या डेढ़ घंटे की राइड और रह गई हमारी हाउस बोट पे। और इतना मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा ये। और अब हमारी टी टाइम हो गया तो अभी टी बन रही है, टी और उसके साथ पकौड़ा, वो एंजॉय करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। और आप भी एंजॉय करिए हमारे साथ हाउस बोट राइड इन कुमारकम। और अब सनसेट होने का टाइम है और देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, मतलब ऐसा लग रहा है कि पानी के ऊपर ही तैर रहे हैं हम। हैं पकोड़े जो देखने में इतने टैम्पिंग लग रहे हैं, बिस्किट्स और कॉफ़ी बनवाई हमने, कॉफ़ी और चाय में ऑप्शन है, जो मर्जी आप बनवाएं। कैसे अंकल पकोड़े कैसे हैं? आंटी एवन चलो अभी योगेश बताएंगे कैसे हैं, आके बताओ भाई। इतने करारे क्रिस्पी है ना आंटी, है ना, बहुत स्वादिष्ट। 10/10 थैंक यू कर्मा गिविंग अस सच अ अमेजिंग एक्सपीरियंस, थैंक यू। ऑलमोस्ट हाउस बोट का सफ़र होने वाला है ख़त्म और एक्सपीरियंस था बहुत ही कमाल का, एकदम
आउटस्टैंडिंग अमेजिंग, बहुत ही लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। और खाना और हाउस बोट मैंने आपको दिखाई कितने सुंदर है, रूम्स हैं इसमें, वॉशरूम सब कुछ इतना क्लीन, एकदम हाइजीन, बहुत ही सुंदर और बहुत साफ सुथरा, बहुत ही बढ़िया लगा और इतना मज़ा आया हमें कि मैं क्या बोलूँ। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं, और ये जो हाउस बोट है वो आपको कैसा लगा ये बताएं मेरे को कमेंट करके कि आप लोगों को कैसा लगा ये हाउस बोट। अंकल आंटी आप लोगों को कैसा लगा ये एक्सपीरियंस, खाना वगैरह सब बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया, मतलब ये देखो वो अब रिजॉर्ट जो है आने लगे हैं, शुरू हो गए, हमारा भी आने वाला है। कितना टाइम लगेगा भैया अभी? 15 मिनट्स और, 15 मिनट के बाद हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने रिजॉर्ट पे। ये पहुंच चुके हैं अब हम अपने रिजॉर्ट में, ये देखो ये प्यारे लगते हैं, देखो ओ वाओ ये खड़ा हो गया है विनोद, पौधों में अटकती नहीं है ये। ओके तो ये है हमारे ड्राइवर आज के लिए पायलट, सॉरी क्या नाम है आपका? विनोद। कितने साल से हैं आप लोग इसमें? 10 ईयर्स से। तो कर्मा के साथ ही है 10 ईयर्स? अरे वाह, तो बहुत अच्छा आपने हमें घुमाया, बहुत ही बढ़िया लगा, थैंक यू सो मच। और या वेरी वेरी मच, और नेक्स्ट टाइम फिर से आएंगे तो एक्सपीरियंस करेंगे अब नाइट स्टे का, ठीक है ना? थैंक यू सो मच, बाय। ये थे हमारे आज के शेफ, क्या नाम बताया था आपने? जयराम। तो आपने हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया खाना था, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम फिर नाइट स्टे के लिए आएंगे, ठीक है ना? थैंक यू। कितने साल से आप कर्मा के साथ? कितने साल से? हाउ मेनी इयर्स इन कर्मा? 7 ईयर्स। ओह इट्स अ लॉन्ग टाइम, थैंक यू। घूम आए हम, क्रूज करके आए और सबको बहुत ही मजा आया, इतना बढ़िया टाइम निकला, पता ही नहीं चला। आंटी तो कह रही है लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, सब लोग को ज़रूर जाना चाहिए। वो डिपेंड करता है आप कहाँ से बुक करते हैं, पर जाना ज़रूर चाहिए, हमें तो बहुत मज़ा आया। तो हाउस बोट का सफ़र अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बहुत ही मज़ा आया। और इस वीडियो को अब एंड करते हैं और केरला सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें इसी तरह की एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।